एवरीवन वांट्स सक्सेस, तो मैं वो चिड़िया हूँ और मेरा आसमान वो सक्सेस है एंड मैक ने मुझे हेल्प किया उसको अचीव करने के लिए। हाय, आई एम मनदीप सिंह रंधावा, आई एम एफएक्स आर्टिस्ट ए टेक्निकल एंड अ पैशनेट पोएट एंड दिस इज माय स्टोरी। ट्वेल्थ क्लास में सब बच्चे भाग रहे होते हैं एक तरफ कि इंजीनियरिंग करनी है, किसी को डॉक्टर बनना है, कोई सीए करेगा। हमारी क्लास में सबने सीए ऑप्ट किया तो मैं भी सीए करूँगा। अब सीए के लिए ऑप्ट तो कर लिया, थोड़ा पढ़ा, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो अब सोचा फिर अब सीए नहीं तो फिर क्या। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी तो फिर ये सोचा कि बीकॉम करते हैं, ना परसेंटेज आई ना अमाउंट है तो बीकॉम के लिए गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो मिल ही जाती है। एक दिन क्या हुआ कि हमारा जो घर था उसको तोड़ेंगे, उसको फ्लैट बनाएंगे। अब थोड़ा अमाउंट आ गया था, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने से अच्छा मैंने सोचा कि जो मेरे अंदर है मैं उसको क्यों नहीं एक्सप्लोर करता। स्केचिंग का बहुत शौक था, मूवीज़, कंप्यूटर्स, इट एक्साइट्स मी। मैंने ये सोचा कि इसी के अंदर क्यों ना आगे बढ़ा जाए। घर वालों को पता था कि ठीक है पोल्ट्री लिखता है, स्केचिंग करता है, कंप्यूटर्स के अंदर दिमाग अच्छा चलता है, लेकिन इस फील्ड में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। फिर एकदम से स्ट्राइक हुआ स्कूल में। अब जब ट्वेल्थ क्लास के अंदर सेशन वगैरह चलते हैं तो मैक करके एक आया तो उन्होंने सेमिनार दिया, तो उन्होंने बताया कि मूवीज़ कैसे बनती हैं, ऐसे ऐसे यूज़ होता है, ऐसे ऐसे एक्टर्स फेक किए जाते हैं, तो एक्टर से ज़्यादा एक जो उसके पीछे टीम होती है वो ज़्यादा काम करती है। तो उस चीज़ ने मेरे अंदर का जो इंस्पिरेशन था कि मतलब मुझे हेल्प किया कि मुझे क्या करना। फिर मैंने डैड को बोला कि ऐसे ऐसी बात है और ऐसे हमारे स्कूल में आए थे तो मैं मैक ज्वाइन करना चाहता हूँ या मैं एनिमेशन में जाना चाहता हूँ, तो मैक में एडमिशन लिया। तो कुछ इवेंट्स होते हैं जो फैकल्टीज हैं उन्होंने पुश किया कि तुम्हें ये करना चाहिए, अगर ये करोगे तो तुम्हें अपनी करियर ग्रोथ में हेल्प मिलेगी। लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं, ये सब नहीं समझ आता, उनको मस्ती करनी है बस। लेकिन उन्होंने बहुत पुश किया तो उन्होंने बोला कि जाओ नाम लिखवा के। अब मैं गया रिसेप्शन पे नाम लिखवाने के लिए तो उसके अंदर एफएक्स का कॉलम खाली था, तो मैम ने कहा किस में लिखूँ, मैंने कहा एफएक्स में ही लिख दूँ। चलो ठीक है, नाम लिखवा दिया, सब कुछ हो गया। तो जब वो स्टार्ट हुआ तो काम करना शुरू किया, जो भी कॉन्सेप्ट था वो सब कुछ सीनियर्स के साथ मिलके, फैकल्टीज़ के साथ मिलके जो भी किया। तो जब लास्ट डे आया, जब उसका इवेंट होना था, तो कॉन्सोलेशन प्राइज मिला, ठीक है जीते नहीं कोई बात नहीं, लेकिन कुछ किया तो सही। लेकिन उसका इफेक्ट ये पड़ा था, उस 4-5 महीने की मेहनत का इफेक्ट ये पड़ा था कि जो 24 FPS इंटरनेशनल एनिमेशन अवार्ड्स होते हैं उसके अंदर मुझे डायरेक्ट एंट्री मिल गई थी। देवर 7 पीपल, तो उनके अंदर मैं एक था, तो वो एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था। तो 24 FPS इंटरनेशनल एनिमेशन अवार्ड्स का क्या सीन है कि उसके अंदर एक तो बिल्कुल स्टूडियो जैसा एनवायरनमेंट होता है। स्टूडियो जैसा एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि जैसे वो रहते हैं, दिन रात काम होता है, सुबह गए रात को आ रहे हैं, कभी कभी नहीं आ रहे, कभी कभी एक एक हफ्ता वहीं रह रहे हैं। मुझे एक मेमोरी मुझे याद है कि सर ने बोला था कि अब 24 FPS में आ गए ना तो समझ लो तुमने स्टूडियो ज्वाइन कर लिया। तो हमने ना मतलब रात को रहना पड़ेगा, ऐसा होता है क्या? तो लेकिन जब उस पर काम करना शुरू किया तो मतलब उसके अंदर बिल्कुल ही इन डेप्थ चले गए, इन्जॉय कर रहे हैं, बिल्कुल ही घूम रहे हैं, मतलब उसी के अंदर मतलब सब कुछ, सारे शॉट्स हो रहे हैं। तो वो हो गया। अब इवेंट का टाइम आया, नॉमिनेशंस आई। एक तो ना जब इवेंट चल रहा था तो वो थिएटर स्क्रीन के ऊपर अपनी जो फिल्म देखी, जो हमने बनाया था, जो हमने एज अ टीम अचीव किया था, उसको देख के जो खुशी मिली थी वो अलग ही थी। और सबसे बड़ी खुशी तब मिली थी जब प्राइज़ जीता था, एकदम से अनाउंसमेंट हुई कि दीज आर द विनर्स, और जो चिल्लाए थे बहुत ज़्यादा। तो एक ये चीज़ थी। अब सब कुछ हो गया, कोर्स कम्प्लीट हो चुका है, फ़र्स्ट जॉब का जो मेरा इंटरव्यू हुआ, बहुत से बात हुई, उन्होंने बोला कि एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इस चीज़ की पॉइंट की वैल्यू बहुत है। तो उन्होंने बोला कि जो तेरी शोरील है वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल साउंड है। मतलब मुझे सुन के ऐसा लगा कि मतलब वाओ, मतलब एक तो तुम्हारी फर्स्ट जॉब है, ऊपर से बॉस लेवल उन्होंने ये बात बोली है, तो मतलब एकदम से ना अंदर से आया कि सही डिसीजन लिया था।
अब फर्स्ट कंपनी मेरी गुड़गांव में थी, लोकस डिज़ाइन स्टूडियोज, उसके अंदर मैंने प्रोजेक्शंस किया, जैसे लाइव बिल्डिंग के ऊपर प्रोजेक्शंस होती हैं वीएफएक्स, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और छोटी मोटी एडवर्टीजमेंट्स करी। उसके बाद ऐसा लगा कि थोड़ा सा और ग्रो करना है, तो सेकेंड मेरी कंपनी जो थी वो इन्विक्टा डिजिटल, उसके अंदर अब जो यूट्यूब और टीवी के ऊपर आती थी एडवर्टीजमेंट, जैसे रियल जूस, मर्सिडीज़ की एड और डिस्कवरी चैनल्स का, केबीसी का, इन सब के ऊपर मैंने काम किया। अब थोड़ा लगने लगा कि ना ये भी हो चुका है, अब थोड़ा और आगे जाना चाहिए। तो मैंने सर से बात किया, उन्होंने बोला कि तू ई लर्निंग में क्यों नहीं ट्राई करता, तो कहते एक्सप्लोर कर, तुझे अच्छा लगता है, तू एफएक्स कर रहा है, वहाँ भी हो रहा है, तो तू वहाँ क्यों नहीं जा रहा, एक और नई डिवीज़न खुल रही है तेरे लिए, एक मतलब एक रास्ता खुल रहा है, तू वहाँ क्यों नहीं जा रहा। अब एक्स्ट्रा मार्क्स ई लर्निंग स्टूडियो था, वहाँ पर मैंने अप्लाई किया, तो वहाँ पर टेस्ट हुआ मेरा, ऑन द सेम डे टेस्ट क्लियर हो गया और सेम डे मेरे पास जॉब थी, हैप्पी। अब घर गया, मम्मी ने पूछा कि हो गया टेस्ट, हाँ हो गया, तो कह रहे अब कब आएगा, क्योंकि उनको पता था कि अप्लाई किया हुआ है दो चार जगह पे और रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, और ये भी पता था कि टाइम भी बहुत लगता है, तो उनको एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी। तो मैंने बोला कि मेरा हो गया, कहते हो गया सही बता दूँ मैं, क्योंकि मजाक में कहते कि सही बता कि हुआ या नहीं हुआ, मैंने कहा हो गया मेरा। उस मोमेंट पे जैसे मैंने बोला कि मैं क्लियर कर चुका हूँ और ऑफर मिल गई है, जॉब मिल गई है, अगले मंथ से ज्वाइन करना है, तो मेरी मम्मी ने रोना स्टार्ट किया, एकदम ही मतलब आंसू बह रहे थे, और मतलब वो मोमेंट इतना टची हो गया था कि मतलब बहुत ही अच्छा लगा था। तो अब मैं 3D में भी था, VFX में भी था, और अब मैं ई लर्निंग में भी था। अब नेक्स्ट स्टेप था फिल्म्स। फिल्म्स के लिए टेक्निकलर बैंगलोर में अप्लाई किया, एकदम से हो गया। घर वाले थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन वो भी मान गए, सब कुछ सॉर्ट हो गया, सब सिलेक्शन, परिंदा उड़ गया बैंगलोर। टेक्निकलर में क्या है ना कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करूँ, मतलब टॉप नॉच 3D एंड VFX फिल्म्स, उनके नाम बता नहीं सकता, थोड़ा ना लीगल इश्यूज हैं, लेकिन जब आप वो देखने जाओगे या तो फिल्म थिएटर में जाओगे या जहाँ भी ऑनलाइन सोर्स पे देखोगे, नाम याद रखना, नाम आएगा ना, पता चल जाएगा कि इसी पे काम किया। अगर मैं 9 to 5% होता तो इस फील्ड में आया ही ना होता, तो इसलिए अपनी हॉबीज़ हैं, जैसे पोइट्री हो गया, मतलब शांत काम एनवायरनमेंट मिला हुआ है, बिल्कुल लिख रहे हैं, विलियम शेक्सपियर साहब को पढ़ रहे हैं, रीडिंग करो और उसके बाद लिखो, तो वो जो कनेक्शन बनता है ना वो पूरा करता हूँ। ट्रैवलिंग हॉबी है, मतलब कभी भी छुट्टी मिले या ना मिले, मतलब अगर छुट्टी लेके भी जाना पड़े, ऑफिस के साथ साथ ये सब भी चल रहा है, छुट्टी लेके जाओ आराम से, बुलेट उठाई अपनी और निकल गए, और बस लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। लाइफ इज़ गुड, आई एम हैप्पी। और मैं तो तुहानू सबनों ए कह रहे हैं कि अगर दिल विच चाह होए तो कौन रोक सकता है, कुछ करन दी चाह हुए दिल विच ते कोई नहीं रोक सकता तुहानू। एफएक्स इज माई जलवा विच आई फाउंड एट मैक, व्हाट्स योर जलवा। आई एम मनदीप सिंह रंधावा, एफएक्स आर्टिस्ट, टेक्निकलर इंडिया।